अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि एक बिंदु P होता है और एक बिंदु O होता है। O एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिसको बोल सकते हैं एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का हमें चुंबकीय मतलब बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक का प्रभाव ज्ञात करना है। इस प्रभाव को जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक है, और इस चुंबक की जैसे मैंने बताया था कि आवेश समुदाय के, अगर कोई मान लीजिए कोई आवेश है, तो आवेश समुदाय है जहां पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कितना बल लग रहा है, तो उसके लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। अरे बात द्विध्रुव क्यों, द्विध्रुव का अर्थ है दो ध्रुव। हमने मान लिया कि एक मैग्नेट है जिसको ओ बोल रहे हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका बल यहां भी हो सकता है, इसका बल इधर भी हो सकता है, इधर यानी कि चारों डायरेक्शन में हो सकता है। अर्थात हमने इसमें दो अक्ष माना है, एक ये माना है और एक बी माना है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र या तो पी का या तो बल आगे भी हो सकता है या बल पीछे भी हो सकता है क्षेत्र। तो हम फाइंड कर रहे हैं ई वन और ई टू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के लिए बल के लिए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और जब किसी माध्यम की बात की जाती है तो क्या होता है, के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और के हम यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है, हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, हमने पढ़ा है पीछे E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आते हैं इस फिगर को तरह देखते हैं। अब ये देखिए, ये है हमने एक दो पॉइंट लिया, ये पॉइंट आपका O है, O से एक बिंदु A है जिसका डिस्टेंस हमने L माना, और उतना ही डिस्टेंस हमने भी L माना। इस O पॉइंट से जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक, हमें सबसे पहले E1 ज्ञात करना है। तो जब E1 ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब ऊपर क्या है आवेश Q ही है। अब देखिए हम यहां से कहां आ रहे हैं, यहां तक, लेकिन हमें आना कहां तक है, यहां तक। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है, आर है, लेकिन हमें यहां तक आना है तो इसका डिस्टेंस कितना है, एल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर में से एल को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पूरा डिस्टेंस आर दे दिए, हमें आना यहां तक है, ये डिस्टेंस यहां तक है, तो इसमें से एल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर एक। इसी तरह हम E2 फाइंड करेंगे इधर की दिशा में, यानी ये बोल सकते हैं ये कहां था, P से A की दिशा में, और ये क्या हो जाएगा, PB दिशा में। ये लिख लीजिए PA दिशा में, और ये क्या हो जाएगा, PB दिशा में। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए ऊपर क्यू हो गया, अब देखिए हमको कहां से, पी से बी की दिशा में, तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, और हम आगे एक्स्ट्रा बढ़े एल तक, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। तो हमने यहां क्या ले लिया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जब ये हो गया तो हमें ना कि आगे जाना है। अब मान लीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन में हमें कह दिया गया कि बाबू यहां से लेकर आप यहां चलिए, लेकिन हमें जाना है, वो लड़का क्या हुआ, यहां तक चला गया। अब कितना आगे चले, मान लीजिए कि ये हो गया आपका E1, और एक बच्चे ने चला और ये चलकर यहां रह गया, ये हो गया फिर चला, तो ये बच्चा आया यहां तक चला, ये चला E2। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि हमें चलना है यहां से, यहां से कितना दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं E, तो E बराबर क्या करेंगे, E1 माइनस E2, यानी कि ये इतना आगे जो चले हो और इसमें से E2 हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल आपको कितनी दूरी पर चलना है। इसी प्रकार हम P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, न कि E1 पर न कि E2 पर।
तो हम इसलिए क्या करेंगे, E इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। तो देखिए E1 ये है, E2 ये है, इसको समीकरण नंबर दो बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यही E1 है तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, अभी क्या हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखिए E2 क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए अब कहां ले लीजिए, देखिए यहां भी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के है और यहां भी है ना, और ऊपर भी Q है, ऊपर भी Q है, तो आप इसको क्या करिए काम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर Q कॉमन ले लीजिए, बचा क्या वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस Q अपॉन सॉरी वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए आप जनरली ये इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये यहां और ये यहां पे, तो क्या हो जाएगा R, देखिए ये यहां चला जाएगा ना और ये यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, जनरली आप एलसीएम ले लेंगे यही आएगा, ठीक है। अब देखो अब देखिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस टू आर एल, इसी तरह ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, और इसके नीचे क्या हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर पे आर पे पावर फोर हो जाएगा और एल पे पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसको कंटिन्यू यहां आते हैं, अब देखिए तो ये जो है ना, तो अब हम क्या करते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखिए क्या होता है जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या मिलेगा आपको E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, और ये देखिए माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस प्लस वाला माइनस कर देगा माइनस वाला प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर आप प्लस, देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू आर एल अपॉन क्या हो जाएगा आर पे पावर फोर और एल पे पावर फोर, आर पे पावर फोर माइनस एल पे पावर फोर, ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपको E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और टू आर एल, टू आर एल कितना हो जाएगा फोर आर एल, फोर आर एल अपन क्या हो जाएगा आर पे पावर फोर एल पे पावर फोर। अब देखिए ये आपको एक इक्वेशन मिला, अब हमको जानना है आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू टू क्यू एल, P इज इक्वल टू टू क्यू एल, तो हमें इस फॉर्मूले को बनाना है, थोड़ा सा इसको ऐड करना है, तो देखिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं E इज इक्वल टू या फोर है तो हम इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां पर देखिए यहां पर क्यू एल और आर को अलग कर दीजिए, कर दिए बिल्कुल एक ही चीज है, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा कर सकते हैं, और यहां पे क्या बचा Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब ये देखिए यहां पे है R पे पावर फोर माइनस L पे पावर फोर,
ये देख हमने किया क्या है, ये 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए, और ये बचा क्यू एल, ये क्यू है, ये एल है और आर है, हमने किया नहीं है, बस करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए 2 क्यू एल, अभी देखिए ये एल और ये एल, तो हमको ये फॉर्मूला बनाया है, 2 क्यू एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए तो अब हम इसको लिख दें, E इज इक्वल टू 2 क्यू एल के जगह हमने लिख दिया पी, यानी 2 पी आर अपॉन, यहां पे बचेगा क्या, 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर पे पावर 4 माइनस एल पे पावर 4। अब थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बचेगा 2 पी आर अपॉन आर पे पावर 4 माइनस एल पे पावर 4। अब ये देखिए यहां पर थोड़ा गणना करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, ये ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट से एल का डिस्टेंस बहुत ही आर की अपेक्षा में कम है, तो यही बात लिखना है हमें, आर की अपेक्षा में एल का मान नगण्य है, अतः L बराबर 0 लेने पर, L बराबर 0 लेने पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या ले लिया L बराबर 0, तो मिलेगा क्या, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब ये देखिए 2 पी अपॉन R है ना, 2 पी R अपॉन, तो देखिए R पे पावर 4 हो जाएगा, और L बराबर हमें क्या लेना है 0, तो 0 पे पावर कितना 4 लगाइए, तो उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, R पे पावर 4। अब R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहां बचेगा 2 पी अपॉन R क्यू, यही हमको प्रूफ करना था। अतः अब वैद्युत ध्रुव पर, यानी किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत ध्रुव कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2 पी अपॉन R क्यू। अब चाहे तो K बराबर 1 लेने पर, कोई भी नियतांक हो तो K बराबर 1 ले सकते हैं, यानी कि जब भी कोई नियतांक हो तो उसकी वैल्यू एक निश्चित मान लेते हैं, अर्थात क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन R क्यूब, यही आपका है, यह बोर्ड पेपर में 100% आएगा, ये तय होता है। देख किसी ना किसी सेट में ये कंपलसरी है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, उसमें यह प्रश्न पूछा रहता है।